नमस्ते किसान भाइयों, आज हम मक्का के खेती के बारे में बताना चाहते हैं कि गोबर का खाद जो देने से क्या क्या फ़ायदा होता है। जैविक खाद जो है, जिसे जैविक खाद कहते हैं, उसे जो गोबर ही समझिए, गोबर का खाद देने से देखिए एक ही जगह दोनों खेत हैं, एक में गोबर का खाद नहीं दिया गया है, एक में गोबर का खाद दिया गया है। तो जिसमें गोबर का खाद दिया गया है उसका रंग रूप एक अलग है। हम देख रहे हैं कि गोबर का खाद 3 साल पूर्व ही दिया गया था, पहले ही दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका रंग रूप जो है, फसल का जो भी फसल लगाते हैं उसमें, वह बहुत तंदुरुस्त और हरा भरा रहता है। तो गोबर का खाद देने से हमें बहुत फायदा है। या केमिकल खाद जो है, अंग्रेजी खाद देना बहुत कम पड़ता है। अगर हम कम ही अंग्रेजी खाद देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं रहता है कि पोटाश कम दिए, अल्मोनियम कम दिए, तो DAP कम दिए, वह सोचने की बात नहीं होता है। तो गोबर खाद देने के बाद आप अंग्रेजी खाद बहुत कम मात्रा में ही दीजिए तो वह भी अच्छा है, इसलिए कि गोबर खाद देने से खेत खराब नहीं होता है, बंजर नहीं होता है, और अंग्रेजी खाद का डोज ज़्यादा देने से खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है। तो गोबर का खाद का रंग रूप देखिए किस तरह का है, हम वही दिखा रहे हैं कि गोबर का खाद कितना प्रमुख स्थान है फसलों के लिए, कितना सुंदर है फसलों के लिए। यह इसमें गोबर का खाद है और इसमें गोबर का खाद नहीं दिए हैं। तो हम लोग गाय और भैंस अगर पालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि उसका दूध भी खा लेते हैं और उनका गोबर भी जो होता है वह खेत में देने से मेरा फसल भी अच्छा होता है। देखिए कितना सुंदर है गोबर का खाद देने से। देखिए गोबर का खाद जो है फसलों के लिए बहुत अच्छा है और खेत भी ख़राब नहीं होता, बंजर नहीं होता है, और जिसमें कि अंग्रेजी खाद का ज़्यादा प्रयोग किए हैं तो उसका खेत देखिए कि उसका फसल भी थोड़ा डाउन हो गया है। देखिए अब इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें पानी भी नहीं दिए हैं लेकिन रंग रूप अच्छा है, और पानी देने के बाद तो इसका रंग रूप एक अलग हो जाएगा। तो गोबर खाद जो है किसान के लिए बहुत अच्छा जैविक खाद माना जाता है, और जैविक खाद से हम खेत को बंजर होने से बचा लेते हैं, और गाय भैंस अगर पोसते हैं तो उसका दूध भी हम खाते हैं जो कि हम स्वस्थ रहते हैं, और खेत भी मेरा स्वस्थ रहता है, यानी मजबूत रहता है। तो किसानों को हम यही कहेंगे कि गोबर का खाद खेत में ज़रूर प्रयोग करें। 1 बीघा में अगर 10 टेलर आप गोबर दे देते हैं तो वह आपको 4 साल 5 साल के लिए सोचना नहीं पड़ता है, और जिस समय गोबर का खाद टेलर के द्वारा देते हैं तो उसमें लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन महंगा नहीं है वह, आगे के लिए आपका बहुत सस्ता होता है। एक ही बार लगता है तो आपको 3-4 फसल जो है आपको बहुत अच्छा फसल देगा, उसका उर्वरक शक्ति जो है मजबूत रहता है और देखने में भी हरा भरा रहता है, गाछ भी मोटा तना रहता है। तो किसान को हम कहेंगे कि गोबर का खाद ज़रूर प्रयोग करें।
कम से कम नहीं भी सफरे तो कम से कम 5-6 टेलर जरूर एक बीघा में जरूर गोबर दें। उसके बाद आप अंग्रेजी खाद कम भी देंगे तो कोई बात नहीं है। तो किसानों को हम धन्यवाद देते हैं और मेरे चैनल को इसी तरह बराबर देखते रहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा मनोबल ऊंचा होगा और मेरे वीडियो को भी लाइक करेंगे। हम एक किसान हैं जो कि हम किसान के नाते हम यह अनुभव अपना दिखा रहे हैं।